कोई भी अधिकारी और आईएएस ऑफिसर सीएम नीतीश कुमार का करीबी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, जिस प्रकार से संजीव हंस का मामला इन दिनों तूल पकड़े हुए है, इस बीच बता दें कि सभी ये कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी हैं वो और उनके काफी चहेते हैं। अब इस पर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आप जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को देख पा रहे होंगे। आज संजय झा ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने संजीव हंस के गिरफ्तारी पर जब सवाल किया गया तो ये बोल दिया कि सीएम नीतीश कुमार के कोई चहेते नहीं होते हैं, जो अच्छा करता है उसको काम देते हैं और जो गलत करता है वो चला जाता है। तो संजय झा का बड़ा बयान आया है संजीव हंस के मामले पे। साथ ही हम आपको बता दें कि तमाम कई सवाल उनसे पूछे गए, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे वो और पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किया। संजीव हंस के मामले पे सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से सिरे से इनकार कर दिया। ये कह दिया कि संजीव हंस या फिर कोई भी अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के करीबी नहीं होते हैं। सीएम नीतीश कुमार काम को देखते हैं, जो काम करता है वो पूछा जाएगा और जो काम नहीं करता है वो चला जाएगा। भाई, संजीव हंस के गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने ये कह दिया कि ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि इस पर वो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। ये अब मामला चल रहा है, अब ये मामला कह सकते हैं कि न्याय से संबंधित हो गया है, अब कोर्ट का मामला है तो इस पर कुछ भी वो नहीं कहना चाहेंगे। इसके अलावा बता दें कि झारखंड चुनाव पर भी उन्होंने कहा, साथ ही हरियाणा के जो चुनाव जीते हैं बीजेपी ने उसको एक मैसेज के तौर पर बताया कि झारखंड में भी हरियाणा जैसा ही खेल हो सकता है। तो देखिए और क्या कुछ कहना था संजय झा का, हम आपको पूरे वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। भाई, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ ना, हरियाणा के चुनाव में का मैसेज क्या है? हरियाणा का चुनाव का मैसेज ये है कि जो दबंग लोग हैं, जो थाना ब्लॉक पे चढ़ते हैं, सत्ता मिलता है तो डराते धमकाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको उनके खिलाफ गोलबंदी हो जाती है। यही मैसेज है हरियाणा चुनाव का। तो इसलिए झारखंड में भी या भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को नहीं आता है पसंद, इसलिए झारखंड चुनाव में NDA बहुत बड़े मत से जीतेगी। वहाँ भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है और अगले साल जो चुनाव बिहार में होगा उसकी वानगी तो लोकसभा में हो गई। जरूर विश्लेषण कीजिए, कितने लोग बोलते थे कि कितना मीटिंग हुआ, ये हुआ, घूम रहे हैं, तो जनता ने क्या फैसला किया बिहार में? तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी बड़े मत से NDA यहाँ जीतेगी और झारखंड में भी NDA की सरकार बनेगी। आपको दो सीट मिली है जदयू को, चिराग जी को एक, लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी नहीं मिली, इसको लेकर अब ये सब NDA की इंटरनल बात है, इसको पब्लिकली हम लोग नहीं बोलते हैं। दो बार गलती हो गई है, अब इसको लेकर के मीसा भारती हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कौन गारंटी लेगा कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे? वो अब अलग बात है कि कौन गारंटी लेगा, अब क्या बोलती है हमको नहीं पता है। नीतीश कुमार जी हमेशा उनका NDA के साथ शुरू से रहे। बिहार में जब बदलाव हुआ 2005 में, उस समय भी बिहार में NDA के साथ हम लोगों ने सरकार का बदलाव किया, तो इसलिए और दो बार जो एक्सपेरिमेंट भी किया वही बात बोलते हैं। वो जनता में उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया, जो हमारे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको बहुत ये ठीक लगा नहीं, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वही बात बोलते हैं। लेकिन मिसाल ये भी कह रहे हैं मोदी जी, जानिए ना, उनके बाद पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। झारखंड चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? एक तरफ गुलाब यादव को भी कैसे? देखिए, ये सब जुडिशियल प्रोसेस है, हम लोग हमेशा इस बात में रखे हैं कि जो भी जुडिशियल प्रोसेस है कोर्ट सर्वोपरि है, अब वो अपना निर्णय लेता है। कोर्ट जो भी फैसला करे, जो भी गलत सही जो है, वो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में रहता है। मैटर सब जुडिस है, इस पर ज़्यादा क्या बोलूँ। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सीएम नीतीश के बेहद चहेते देखिए, ये सब बेकार बात है। चहेते क्या होता है, अफसर ही काम करता है ना, ब्यूरोक्रेट ही रहता है ना। IAS की परीक्षा दे के कोई आया तो सेक्रेटरी बनता है, सरकार पोस्टिंग करती है उसकी। ये जो लोग बोल रहे हैं,
कहा विपक्ष के लोग, वह चहेते वहते नीतीश कुमार के सिस्टम जो परफॉर्म करता है उसको काम देता है, और गड़बड़ करता है तो जाता है, और कभी किसी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जो गलत करता है, यही है। सर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए आज बहुत बड़ा दिन है कि दरभंगा एयरपोर्ट में जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो 912 करोड़ से बन रहा है, और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। 2020 नवंबर में जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तो एक साल में 1.5 लाख लोग ट्रेवल किए, और अभी 5 लाख लोग के आसपास वहाँ से ट्रेवल करते हैं। ये पूरा उत्तर बिहार, नेपाल के तरह पूरा एरिया को ये कैटर करता है दरभंगा एयरपोर्ट। जब दो एयरपोर्ट मिला उड़ान स्कीम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्रोग्राम में गए थे, मुझे आज भी याद है, तालकटोरा स्टेडियम में। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले की, और वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, और 19 में उसका शिलान्यास हुआ, और बिहार सरकार ने पूरा सहयोग इस एयरपोर्ट को बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया। वहाँ पर जो करीब करीब 74 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने एक्वायर करके दिया है, और टाइम पर एक्वायर करके दिया, या उसको डेवलप करने का भी में भी बिहार सरकार ने सहयोग किया पूरा। और अभी मैं मिला था केंद्र में जो मंत्री हैं उनसे कि दरभंगा एयरपोर्ट सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, उसमें भी बिहार सरकार को जो सहयोग करना होगा करेगा। ये एयरपोर्ट बन जाने से इम्पॉर्टेंट इशू है, अभी तक एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट था कि जो प्रदेश की राजधानी है वहीं से प्लेन उड़ता था, यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन 2 टीयर सिटी 3 टीयर सिटी में जाकर के प्लेन उड़ेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, वो बिहार में पहली बार दरभंगा में देखने को मिला और सक्सेसफुल हुआ। लोगों को लगा कि लोग मिलेगा पैसेंजर, नहीं मिलेगा पैसेंजर, इतना पैसेंजर है कि प्लेन कम पड़ गया है वहाँ पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि और प्लेन की शुरुआत हो, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा तोहफा उस क्षेत्र को दिए, और अपने नेता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बने बिहार में दूसरा, और आगे आने वाले टाइम में पूर्णिया में भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा, भागलपुर और राजगीर पाइपलाइन में है शुरू होने के लिए, यहाँ बेटा पे काम हो रहा है। तो दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, जब एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, होटल आता है, टैक्सी वाला आता है, अब थोड़ा इसको बड़े स्केल पर देखिएगा तो रोजगार का एवेन्यू क्रिएट होता है। कोई इन्वेस्टर आना चाहे उसको लगता है कि वहाँ तुरंत लैंड करके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एयर कनेक्टिविटी होने से पूरा उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा दरभंगा एयरपोर्ट।